नमस्कार मेरे युवा साथियों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफ़ी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि बायोम क्या है उसका अर्थ और परिभाषा देखी थी बायोम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जब हम किसी बायोम की बात करते हैं तो उसमें किन बिंदुओं को बिंदुओं की चर्चा करनी होती है हमें इसके अलावा हमने देखा था कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं जिनमें हमने देखा था जलवायु के आधार पर वनस्पतियों के आधार पर भी हमने देखा था इसके बाद हमने पहले बायोम की बात की थी जिसका नाम था आयनवर्ती वर्षा वन बायोम ठीक है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे अगले बायोम की जिसका नाम है मानसूनी पर्णपाती वन बायोम वन बायोम यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि जो इस बायोम से संबंधित जो पी है जब लास्ट पार्ट इसका आएगा तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका पी दे दिया जाएगा तो अभी आपको इन वीडियो में पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ठीक है दोस्तों इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं तो हम चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जिसका नाम है मानसूति मानसूनी पर्णपाती वन बायोम चलिए शुरू करते हैं जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी बायोम में पाँच बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है सबसे पहला होता है आपका स्थिति एवं विस्तार दूसरा जलवायु तीसरा आपका पादप वनस्प पादप संगठन चौथा प्राणी संगठन और पांचवा होता है मानवीय क्रियाएं। ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य रूप से इस बायोम के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं पहला नयानवर्ती यानी कि नियोट्रॉपिक्स प्रदेश के प्रदेश के पश्चिमी द्वीप समूह ठीक है इसके अलावा आपका इंडो मलेशिया क्षेत्र जिसमें आपका ये गलत लिखा हुआ है इंडो मलेशिया क्षेत्र जिसमें हमें रेखीय क्षेत्रों को छोड़ देना है और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को शामिल कर लेना है ठीक है अफ्रीका एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इनके अलावा इस बायोम का छिटपुट यानी कि बिखरा हुआ भाग दक्षिण दच्चेड़ अफ्रीका दक्षिणी ब्राज़ील दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका फार्मूशा द्वीप जो कि ताइवान के ताइवान के अंतर्गत आता है दक्षिणी चीन आदि को शामिल करते हैं ठीक है दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से सवाना सॉरी मानसूनी वर्ण वन, पर्णपाती वनों बायोम को दिखाया गया है ये दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत का क्षेत्र है इसके बाद अफ्रीका का क्षेत्र है भारत और चीन के अंतर्गत भी इसका विस्तार है क्योंकि आपको पता है कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग भी शामिल किया जाता है इसमें ठीक है इसके बाद हम जलवायु को देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम में आद तथा शुष्क दो स्पष्ट ऋतुएँ पाई जाती हैं आदि ऋतु का मतलब है जब वर्षा होती है शुष्क ऋतु का मतलब है जब वर्षा नहीं होती है ठीक है भारत तथा इसके समीपी मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा सॉरी वर्ष में तीन ऋतुएं स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं ठीक है, है? यानी कि तीन ऋतुएं पाई जाती हैं जैसा आपको भारत में भी पता है कि वर्षा काल होता है ग्रीष्म काल होता है और शीत ऋतु होती है तो वो कौन कौन सी ऋतु हैं शुष्क ग्रीष्मकाल जो मार्च से जून तक होता है आर्द्र ग्रीष्मकाल जो जुलाई से अक्टूबर तक रहता है शुष्क शीतकाल जो नवंबर से फरवरी के बीच में रहता है ठीक है अब हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं शुष्क ग्रीष्मकाल औसत तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस परंतु मई तथा जून में यह 38 से 48 सेंटीग्रेड के भी बीच रहता है जैसा हमने भारत में देखते हैं ठीक है शुष्क काल यानी कि शीतकाल औसत तापमान 10 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है ठीक है सामान्य रूप से औसत वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से अधिक होती है परंतु कुछ क्षेत्रों में कभी कभी ये 500 मिलीमीटर mm से भी कम होती है ठीक है संपूर्ण वार्षिक वर्षा का 80 से 90 प्रतिशत भाग वर्षा ऋतु के कुछ महीनों यानी 15 जून से 15 सितंबर में ही प्राप्त होता है शुष्क ग्रीष्मकाल में वाष्पीकरण अधिक होता है ठीक है जैसे आपको पता है कि भारत में भी जो नब्बे परसेंट वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है जो कि जून से सितंबर तक रहता है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे शुष्क ग्रीष्मकाल होता है जाहिर सी बात है कि अगर शुष्क ग्रीष्मकाल है तो वाष्पीकरण अधिक होगा वर्षा कम होगी जिसके कारण मिट्टियों का जो आवरण है वो जल विहीन हो जाता है यानी कि जल जल में कमी हो जाती है और जल की न्यूनता सर्वाधिक हो जाती है वर्षा के इस मौसमी मौसमी प्रवृत्ति के कारण ही अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती होती हैं पर्णपाती कहने का मतलब है कि शीत ऋतु समाप्त होने के बाद और यह समाप्त होते समय और ग्रीष्मकाल प्रारंभ होते समय पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इसलिए इन्हें पर्णपाती कहते हैं यानी डेसीडियस कहते हैं ठीक है अब हम देख लेते हैं पादप समूह पादप समुदाय तथा संरचना को सदाबहार वर्षा वन बायोम की तुलना में पादपों की प्रजातियां इस बायोम में कम होती हैं इनमें पादपों का घनत्व भी सदाबहार बायोम की तुलना में कम होता है अतः सूर्य के प्रकाश के लिए पादपों में सर्वा प्रतिस्पर्धा भी कम होती है यानी कि प्रजातियां भी कम है पादपों की घनत्व भी उनका कम है और सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा भी कम होती है ठीक है इसके अलावा वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 मीटर के बीच होती है इस बायोम में वृक्षों के दो स्तर होते हैं दो स्तर होते हैं ठीक है मतलब वृक्षों के दो स्तर हैं तीसरा स्तर झाड़ियों का है और चौथा स्तर निचला स्तर जो होता है वो धरातलीय साकीय पौधों का है यानी हर्बेशियस प्लांट्स का होता है ठीक है यहाँ मैं आपको तुलना करके अगर हम बात करें तो जो आपका वर्षा वयोम था उसमें पाँच स्तर थे पहले तीन स्तर वृक्षों के थे फिर चौथा स्तर आपका झाड़ियों का था पाँचवा स्तर साकीय पौधों का था लेकिन यहाँ पे मानसूनी वयोम में प्रथम दो स्तर वृक्षों के हैं तीसरा स्तर झाड़ियों का है और चौथा स्तर धरातलीय साकीयों का साकीय पौधों का है यानी एक स्तर कम है इसमें अधिकांश वृक्ष पर्णपाती होते हैं तथा निचले स्तर की झाड़ियाँ सदाबहार होती हैं जो तीसरे स्तर पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो सदाबहार प्रवृत्ति की होती हैं वृक्षों के जो वृक्षों के तने हैं वृक्षों के तने बहुत मोटे होते हैं छाल भी मोटी होती है खुरदरी होती है लताओं खासकर महालताओं यानी लियांस तथा ऊपरी निवासी पौधे यानी आरोही पौधे इपिफाइड्स की संख्या सदाबहार वर्षा बन, वन वन बायोम की तुलना में कम होती है ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं इन वृक्षों की पत्तियाँ या तो आकार में बड़ी होती हैं जो वर्षा काल में अधिक अधिकाधिक नमी सहन कर सकें तथा शुष्क काल में नमी की न्यूनता होने पर गिर सकें ऐसी छोटी किंतु कड़ी पत्तियाँ होती हैं जो शुष्कता का मुकाबला कर सकें शुष्कानुकूलित या शुष्कता प्रतिरक्षण पर्ण पत्तियाँ होती हैं उनमें ठीक है भारतीय पर्णपाती वनों में साल तथा सगौन के वृक्ष वन मुकुट के वितान का निर्माण करते हैं परंतु ये वितान उष्ण कटबंदी सदावहार वर्षा वन के छत्री नुमा या फूल गोभी सदस्य वितान के समान नहीं होते बांस तीसरा प्रमुख सदस्य है यहाँ का ठीक है पहले दो सदस्य कौन से हैं साल और सगौन है और दूसरा तीसरा सदस्य वृक्षों का कौन सा है बांस इनके अलावा अन्य प्रकार के वृक्ष और झाड़ियाँ तथा घासें यहाँ पर पाई जाती हैं ठीक है दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से या इस चार्ट के माध्यम से वनस्पतियाँ और जीवों को दिखाया गया है जो मानसूनी क्षेत्रों में पाई जाती हैं ठीक है दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राणी जीवन की क्योंकि हमें पता है हमने बताया था आपको कि जो बायोम होता है उसमें दो चीज़ों की चर्चा की जाती है एक पादप समूहों की दूसरा प्राणियों समूहों की ठीक है तो पादप समूह हमने देख लिया अब हम प्राणी समूह देख लेते हैं मानसूनी पर्णपाती वन बायोम में वनस्पतियों के कम विकसित स्तरों तथा पादपों की कम प्रजातियों के कारण प्राणियों की प्रजातियां भी कम विकसित होती हैं यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर वनस्पतियों की प्रजातियाँ अधिक हैं वहाँ पर प्राणियों की प्रजातियाँ भी अधिक होती हैं अर्थात पादपों की प्रजातियाँ और प्राणियों की प्रजातियों में सीधा संबंध होता है कहने का मतलब ये है कि यदि पादपों की प्रजातियां अधिक होंगी यानी बढ़ेंगी तो प्राणियों की प्रजातियां भी बढ़ेंगी और पादपों की प्रजातियां कम होंगी तो पेड़ों की ए, प्राणियों की प्रजातियां भी कम हो जाएंगी इसलिए इनमें सीधा संबंध होता है परंतु वनस्पतियों की मौसमी प्रवृत्ति यानी वर्षा काल में घना आवरण पत्तियों का पूर्ण विकास तथा सदाबाह प्रारूप जबकि शुष्क मौसम में पत्तियों का गिरना साकीय पौधों का सूख जाना के कारण प्राणियों के प्रजनन में मौसमी प्रवृत्ति तथा मौसमी प्रवास पाया जाता है हमारे देश में ही हमारा देश भी मानसूनी प्रदेश है तो यहाँ पर भी जो प्राणी होते हैं उनका जो प्रजनन होता है वो मौसमी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है ठीक है दोस्तों यानी कि अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग मौसम में प्रजनन करती हैं आगे देखते हैं पूर्वी अफ्रीका में इन दो मौसमों में पक्षियाँ दो बार प्रजनन करते हैं स्तनधारी जंतुओं में लघु रोडेंट से लेकर वृहदकार हाथी हिप्पो हिप्पोपोटमस तक पाए जाते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो जीव हैं रेप्टाइल्स है जलभूमि जंतु हैं यानी एम्फीबियंस हैं मछली रीढ़ीविहीन जंतु अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं कीटों में सर्वाधिक प्रमुख आपका मच्छर होता है ठीक है जो मलेरिया रोग फैलाता है तो ये रहा आपका सवाना वाय सॉरी मानसूनी बायोम अब हम देख लेते हैं सवाना बायोम के बारे में पहला बिंदु है वही स्थिति एवं विस्तार ठीक है समाना बायोम का अर्थ उस वनस्पति समुदाय से है जिसमें धरातल पर आंशिक रूप से शुष्कानुकूलित साकी पौधों यानी जीरो जीरोमोर्फिक हर्बेसियस प्लांट्स का मुख्य रूप से घासें यहाँ पे पाई जाती हैं प्रधानता होती है तथा तो बिखरे से लेकर संगन वृक्ष का ऊपरी आवरण होता है एवं मध्य स्तर में झाड़ियाँ होती हैं ठीक है यानी कि जो सवाना प्रदेश है आपका बायोम है वहाँ पर घासों की प्रधानता होती है पहले घासें होती हैं इसके बाद कुछ झाड़ियाँ होती हैं फिर इसके बाद वृक्ष होते हैं ठीक है यानी एक तरफ वृक्ष एक तरफ घास और बीच में झाड़ियाँ पाई जाती हैं ये सवाना प्रदेश की विशेषता है ठीक है आगे देखते हैं इस बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 अक्षांशों के मध्य कोलंबिया तथा वेनोजोला के लानोज दक्षिणी मध्य ब्राजील गोयाना पराग्वे अफ्रीका में विश्व रेखी जलवायु प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी मुख्य रूप से मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका सर्वाधिक विस्तार सूडान मध्य अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्र उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी ये पाया जाता है सवाना बायोम क्योंकि भारत में भी पाया जाता है इसलिए ये आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है यानी कहने का मतलब इसका विस्तार ग्लोब पर भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दस डिग्री से बीस डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है ठीक है तो यह सवाना प्रदेश है आप एटलस पर इनकी लोकेशन देखते चलिए भारत में पर्णपाती वनों के चतुर्दिक तथा उनके बीच में विस्तृत सवाना क्षेत्र का विकास हुआ है परंतु भारतीय सवाना में घासों की तुलना में झाड़ियों की प्रधानता होती है यानी भारत में जो पर्णपाती पेटियाँ होती हैं उनके चारों तरफ सवाना पेटी पाई जाती है ठीक है लेकिन इसमें घास की प्रधानता नहीं होती इसमें झाड़ियों की प्रधानता होती है ठीक है भारत में इस चित्र के माध्यम से आपको सवाना प्रदेशों को दिखाया गया है ये अमेरिका के प्रदेश हैं यानी दक्षिणी अमेरिका के सवाना प्रदेश हैं ये अफ्रीका के सवाना प्रदेश हैं भारत का सवाना प्रदेश है और ये ऑस्ट्रेलिया का सवाना प्रदेश है जब भी आप बुक में इसे आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको विश्व का मैप बना करके उस पर इन प्रदेशों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है चाहे कोई भी बायोम हो अब हम जलवायु की बात कर लेते हैं शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएँ वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है यहाँ की यहाँ मतलब तापमान क्या है यहाँ पर शुष्क तथा आर्द्र ऋतु में वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा अधिक सूर्य तप इसके अलावा वर्षा जो होती है यहाँ पे वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर mm के बीच होती है तथा किसी भी महीने में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं जा पाता है ठीक है यानी किसी भी महीने में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जा पाता है यानी हमेशा बीस डिग्री से ऊपर ही रहता है ठीक है आर्द्रता तथा तो तापमान के आधार पर तीन ऋतुएं हैं यहाँ पर मोटे तौर पर तो दो ही हैं परंतु तो तापमान के आधार पर शुष्क ऋतु को गर्म और शीत दो उप विभागों में भी बांट दिया जाता है ठीक है शीत शुष्क ऋतु दिन का तापमान ऊंचा रहता है 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य तथा तो रात्रि में ये कम होकर 21 डिग्री हो जाता है यानी दिन के समय छब्बीस से बत्तीस रात्रि के समय इक्कीस डिग्री सेल्सियस कब शीत शुष्क ऋतु में ठीक है इसके अलावा उष्ण शुष्क ऋतु सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं सूर्य तप अधिक प्राप्त होने के कारण तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है ठीक है इसके बाद है उष्णतर ऋतु उष्णतर का मतलब होता है वर्षाकाल ऋतु ठीक है ये आपको याद रखना है उष्णतर का मतलब है वर्षाकाल ऋतु तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं संपूर्ण वार्षिक वर्षा का 80 से 90 प्रतिशत इसी वर्षा काल में प्राप्त होता है यानी सवाना प्रदेश में जितनी भी वर्षा होती है वो वर्षा काल में होती है यानी 80 से 90 परसेंट ज्ञातव्य है कि भूमंडल के विभिन्न सवाना प्रदेशों में वर्षा की मात्रा में पर्याप्त अंतर होता है जो धरातलीय बनावट तथा भूमध्य रेखा से दूरी के कारण होता है ठीक है आगे देखते हैं यथा ब्राज़ील के सवाना प्रदेश जिसे स्थानीय भाषा में किराडो कहते हैं ये आपको याद रखना है कंपटीशन के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील के सवाना प्रदेश को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में तो किराडो कहते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है इस प्रदेश का उच्च उच्चावच धरातल से तेरह सौ सागर तल से तेरह सौ मीटर है औसत वार्षिक तापमान बीस से छब्बीस डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक वर्षा पचहत्तर से सॉरी साढ़े साढ़े सात सौ से दो हज़ार मिलीमीटर के बीच होती है कोलंबिया के लानोज का औसत वार्षिक वर्षा दो हज़ार से चार हजार मिलीमीटर जिसका नब्बे प्रतिशत भाग उत्तरी भाग में तथा ग्यारह प्रतिशत भाग दक्षिणी भाग में महीनों वाली आदत तथा तर ऋतुओं में प्राप्त होता है इसके बाद देख लेते हैं तीसरा पॉइंट वनस्पति समुदाय सवाना बायोम में घासों का बहुल्य होता है ये आपको याद रखना है ठीक है घासें तथा अन्य शाकीय पौधे यानी हर्बेसियस प्लांट्स वनस्पति समुदाय के लंबवत स्त्रीकरण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व तो करते हैं निचले स्तर का मतलब जो धरातल के पास रहते हैं ठीक है दूसरा स्तर झाड़ियों का है तथा तीसरा स्तर वृक्षों का है यानी तीन स्तर होते हैं देखिए सदाबहार वृक्षों में हमने देखा पांच स्तर होते हैं मानसूनी में हमने देखा चार स्तर होते हैं और यहाँ पर सवाना में हमने देखा तीन स्तर होते हैं ठीक है यानी एक एक स्तर कम हो रहा है सवाना बायोम में घासें सर्वप्रधान होती हैं जिनकी बनावट स्थूल यानी कोज तथा कड़ी होती है इनकी पत्तियाँ चपटी होती हैं तथा इनकी घासों की ऊंचाई अस्सी मीट सेंटीमीटर तक या उससे अधिक होती है ठीक है घासों में सर्वप्रमुख सर्वोच्च हाथी घास होती है जिसकी ऊंचाई पाँच मीटर होती है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि हाथी घास किस बायोम की विशेषता है तो वो है आपकी सवाना प्रदेश की जिसकी ऊंचाई होती है पाँच मीटर ठीक है इनका आकार गुच्छेदार ज्ञातव्य कि समस्त धरातल घासों के तहत सतत आवरण से ढाका नहीं होता अपितु तो बीच बीच में नग्न धरातल भी होता है इन घासों की पत्तियों की बनावट चपटी तथा बड़े आकार की होती है ठीक है आगे देखते हैं वृक्षों का स्वभाव जल की सुलभता पर निर्भर करता है क्षेत्र विशेष में घासों तथा वृक्षों के अनुपात के आधार पर सवाना बायोम को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है यानी सवाना प्रदेश को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है किसके आधार पर घासों तथा वृक्षों के अनुपात के आधार पर तो वन बाय वन सवाना यानी वुडलैंड सवाना में वृक्षों तथा झाड़ियों का प्रभुत्व होता है जिनके द्वारा ऊपरी वितान अत्यंत सघन होता है इसके बाद है उसमें हमने देखा आपसे दूसरा है आपका वृक्ष सवाना ठीक है यानि ट्री सवाना उस समय विकसित होता है जब धरातल पर घासों का प्रधान होता है ठीक है तथा वृक्ष दूर दूर बिकले होते हैं ठीक है इसके बाद है आपका झाड़ी सवाना यानी स्रब सवाना में धरातल पर घासों का बहुल होता है और वृक्षों का सर्वथा अभाव होता है तथा छोटी छोटी झाड़ियाँ विकसित हो जाती हैं ठीक है थीके? इसके अलावा है आपका घास सवाना यानी ग्रास सवाना का विकास वहाँ होता है जहाँ वृक्ष तथा झाड़ियाँ अनुपस्थित होती हैं तथा घासों का घना किंतु लगातार आवरण विस्तृत पाया जाता है ठीक है तो अभी आप क्रम से देख रहे होंगे कि एक एक पहले में आपकी वृक्ष पाए जा रहे हैं दूसरे में घासें तो हैं वृक्ष दूर दूर हो गए तीसरे में क्या है घासें हैं और वृक्ष अनुपस्थित हो गए चौथे में केवल और केवल घासें हैं और वृक्ष और झाड़ियाँ ही अनुपस्थित हो गए ठीक है विश्व में कुछ उष्ण कटबंधीय घासों के मैदान पाए जाते हैं ये क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इनको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम दिए गए हैं जैसे दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं ठीक है इसी अलावा अफ्रीका में इन्हें सवाना कहते हैं ठीक है क्योंकि विश्व में दो तरह के घास के मैदान हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ठीक है तो शीतोष्ण कटिबंधीय घासों को मैदान घासों के घासों के मैदानों को भी हम देखेंगे लेकिन थोड़ा बता दें कि प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में कहते हैं दक्षिणी अमेरिका में पम्पास कहते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ठीक है और आगे भी हम बात करेंगे एशिया में स्टेपीज कहते हैं ठीक है आगे देखते हैं सभी सवाना बायोम की एक उभय विशेषता है कि इन्हें समय समय पर जलाया जाता है ये आपका चौथा पाँचवा बिंदु है अनुक्रियाएं। सॉरी ये चल देख लेते हैं सभी सवाना बायोम की एक उभय विशेषता है यह है कि इन्हें समय समय पर जलाया जाता है इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जैविक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तथा तो जंतुओं की जनसंख्या घटती जाती है ज्ञातव्य है कि बार बार आग लगाए जाने के कारण यहाँ के पादपों में कुछ ऐसी विशेषताएँ भी विकसित हो गई हैं कि कुछ अग्नि प्रतिरोधी यानी फायर रेसिसटेंस प्रजातियों का विकास भी हो गया है ठीक है जैसे इम्फे इम, इम्पेरेटा सेप एक प्रकार की घास है ये एम्पेटा सैप जो है एक प्रकार की घास है जो आग प्रतिरोधी है ठीक है इसके अलावा चौथा पॉइंट है आपका प्राणी समुदाय कि कौन कौन से प्राणी हैं यहाँ पर अफ्रीकी सवाना में चलने वाले बड़े जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं ठीक है, है? यानी सबसे अधिक बड़े बड़े जो जीव हैं आपके वो किस बायोम में पाए जाते हैं तो सवाना बायोम में ठीक है जैसे जेना एंटेलोप वाइल्ड बीट्स, जिराफ हिपोपोटमस तथा हाथियों के बड़े बड़े झुंड पाए जाते हैं इसके विपरीत अमेरिकी तथा ऑस्ट्रेली सवाना में पक्षियों को छोड़कर उक्त प्राणी प्राणी कम संख्या में पाए जाते हैं यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पक्षियों की प्रजातियां बहुत अधिक पाई जाती हैं ठीक है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मारसुपियल्स पेट के बाए भाग में बनी थैली में बच्चों को रखने वाले जंतुओं का वंश यानी कि कंगारू का प्रभुत्व है इनकी पचास प्रजातियाँ पाई जाती हैं दक्षिण अमेरिकी सवाना में चलने वाले दीर्घ जंतुओं में डियर और गुआनाको प्रमुख होते हैं ठीक है इसके अलावा यहाँ पर टु, टुकानस पैरट्स नाइट जर्स डब्स फिंसेस पाराकिट्स आदि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं क्या तब्य कि सवाना बायोम में विस्तृत घास क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है अधिक होती है इसी कारण यहाँ पर वृहद काल स्तनधारी जंतु जैसे हाथी जिराफ गेंडा आदि तथा पक्षी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ बिना उड़ने वाले पक्षी आदि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है इसलिए सवाना बायोम को प्राणियों का घर कहा जाता है सवाना बायो में वनस्पतियों की संरचना तथा उसमें मौसमी परिवर्तन बिना रीढ़ वाले प्राणियों की पूर्ण संबंध सह सह पाया जाता है रीढ़ विहीन प्राणियों में कीटों यथा या मक्खियों यानी फ्लाइस डिप्टेरा टिड्ढे यानी ग्रास होपर्स दीमक यानी टर्मिट टर्मिट्स आइसोपेटेरा आदि संधिपाद प्राणियों में पाए जाते हैं ठीक है जोड़ों से निर्मित पैरों वाले एंथ्रोडोप्स यथा मकड़ा बिच्छू की संख्या अस जनसंख्या पाई जाती है ठीक है दोस्तों इस चार्ट में यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ प्राणियों को दिखाया गया है जैसे गैंडा, जेबरा ठीक है शेर हाथी आदि यहाँ पर दिखाए गए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घासों का प्रधान अधिक मात्रा में है ठीक है और ये झाड़ियाँ जो बीच बीच में पाई जाती हैं और वृक्ष भी आपके दूर दूर बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते यही सामाना प्रदेश की विशेषता है ठीक है इसके बाद है अगला है आपका जूम सागरी जलवायु इसे भी हम भूमध्य सागरी जलवायु भी कहते हैं ठीक है तो इसे भी देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है आपका स्थिति एवं विस्तार ठीक है जूम सागरी या भूमध्य सागरी बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में तीस से चालीस अक्षांशों के बीच पाया जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि तीस से चालीस अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है तो जूम सागरीय जलवायु पाई जाती है जूम सागरीय बायोम का विस्तार पाया जाता है ठीक है आगे देखते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में हैं इस बायोम के अंतर्गत रूम सागर के किनारे फैले यूरोपीय भाग तथा उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का सागरी तटीय भाग दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली तथा दक्षिण अफ्रीका का सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग आते हैं इस जलवायु को या इस बायोम को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे तो इन्हें आप एटलस पर लोकेट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर यह जलवायु पाई जाती है ठीक है क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में रूम सागरी जलवायु या बायोम नहीं पाया जाता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है इस चार्ट के माध्यम से इस इन क्षेत्रों को दिखाने की कोशिश की गई है ये आपका उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया क्षेत्र है ये दक्षिण अफ्रीका का चिली प्रदेश है साउथ अफ्रीका का यानी अफ्रीका का ये साउथ अफ्रीका क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु ही पाई जाती है या रूम सागरीय जलवायु इसके अलावा जो भूमध्य सागर के चारों ओर फैले हुए देश हैं यहाँ पर भी आपकी रूम सागरीय जलवायु ही पाई जाती है ठीक है तो आप देख लेते हैं यहाँ पर जलवायु क्या है जलवायु कैसी है इस प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल तथा शीत आद्रकाल, ठीक है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है ये आपको याद रखना है क्योंकि ये विशेषता भी आपसे पूछी जाती है बहुत कि किस जलवायु की ऐसी विशेषता है जिसमें ग्रीष्मकाल तो शुष्क होता है तथा शीतकाल आर्द्र होता है ठीक है आगे देखते हैं शरद तथा बसंतकालीन बसंतकालीन वर्षा के जल द्वारा मिट्टियों की नमी बढ़ जाती है तथा बसंत काल में वनस्पतियों में अधिकतर वृद्धि होती है ग्रीष्म काल में तापमान के बढ़ने तथा वर्षा का स्थगन हो जाता है अब हम देख लेते हैं वनस्पति समुदाय है। इस बायोम की वनस्पतियों की संरचना इस तरह की होती है कि वे ग्रीष्मकालीन शुष्कता को सहन करें जैसे भारत जैसे मानसूनी देशों में ऐसी वनस्पतियों की विशेषता है जो शीत सॉरी शीतकाल की शुष्कता को सहन कर सके लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रीष्म काल की शुष्कता को सहन कर लें ऐसी वनस्पतियों की विशेषता है पत्तियाँ मोटी तथा कठोर होती हैं तथा तनों की छाल भी मोटी होती है पादप समुदाय में वृक्ष तथा झाड़ियों की प्रमुखता होती है अधिकांश पादप सदाबहार होते हैं ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे सदाबहार पाए जाते हैं एक चीज़ यहाँ आपको और निकल के आ रही है कि पेड़ पौधे शुष्कता से बचने के लिए कौन सी विशेषता अपने धारण कर लेते हैं तो उनकी पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं और कठोर हो जाती हैं तनों की छाल भी मोटी हो जाती है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है और इनकी जो जड़ें हैं वृक्षों की वो अधिक गहराई तक जाती हैं तो ये शुष्कता से बचने के लिए ये वनस्पतियों को प्रकृति के द्वारा दिया गया है झाड़ियों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नाम हैं ये भी दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है पूछा जाता है जैसे यूरोपीय भाग में मैकश या मैशिया कहते हैं कैलिफोर्निया में इसे चैपरल कहते हैं तथा दक्षिण अफ्रीका में फिम्बस कहते हैं और चिली चिली में इसे मैटोरल कहते हैं ठीक है तो इन्हें आप आराम से देख लीजिएगा नोट डाउन कहीं करके रख सकते हैं वैसे भी पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा तो आप इन्हें याद रखिए कि चिली में मैटरल कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में फिम्बस कहते हैं कैलिफोर्निया में चैपरल कहते हैं ठीक है इसके अलावा यूरोपियन सागरी बायोम में वनस्पति समुदाय में तीन लंबवत स्तर पाए जाते हैं ठीक है इस वनस्पति इस बायोम में भी तीन लंबवत स्तर हैं ऊपरी स्तर प्रमुखतः वृक्ष है जो ओक है यानी कि जो ऊपरी स्तर है आपका उत्तरी स्तर वो वृक्ष है और वृक्ष में कौन सा ओक इसके दो वर्ग हैं सदाबहार ओक और पर्णपाती ओक।, ओक की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं ठीक है इसके साथ ऊंचाई के साथ वृक्षों का क्रम बदलता जाता है सबसे नीचे सदाबारोक बढ़ती ऊंचाई के साथ सा पर्णपाती ओक और बीच में बीच मतलब ओक बीच पाइन तथा फल क्रम पाया जाता है इन वृक्षों के नाम भी आप दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो ओक बीच पाइन फल ये किस प्रकार के बायोम के वृक्ष हैं तो ये आपके हैं जूम सागरी ठीक है दूसरा स्तर झाड़ियों का होता है जिसमें सर्वप्रमुख मॉक्सिस ये आपको याद रखना है मॉक्सिस एक प्रकार की झाड़ी है इसका आवरण इतना घना होता है कि वह अप्रवेश हो जाता है इसकी ऊंचाई दो मीटर या उससे अधिक होती है ठीक है लगातार पशुचारण जलाने तथा कटाई द्वारा मॉक्सिस का रूपांतरण कटीली झाड़ियों कटीली झाड़ियों यानी गैरिक स्थानीय भाषा में मॉक्सिस को गैरिक कहते हैं यह भी आप याद रखेंगे हो गया है गैरिक का भी मानव द्वारा विदोहन होने पर उसका रूप बदल गया है जिसे बाध कहा जाता है बथा कहा जाता है बथा कहा जाता है ठीक है गैरिक का रूपांतरण बथा में हो गया है सबसे निचले स्तर में शाकीय पौधों का आवरण छाया हुआ है यानी तीन स्तर हैं आपके ऊपर वृक्ष फिर झाड़ियाँ फिर घास इसके अलावा देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया बायोम में वनस्पति समुदाय में सर्वप्रमुख वृक्ष ओक है तथा चैपरल झाड़ियाँ हैं ठीक है निचला स्तर घासों का होता है कम उर्वर तथा हल्की मिट्टी वाले भागों में चैपरल की घनी झाड़ियों का विकास होता है ठीक है चिली में कैलिफोर्निया के चैपरल के समान झाड़ियों को मैट्रल कहते हैं चिली में क्या कहते हैं मैट्रल कहते हैं इसके अलावा हम देख लेते हैं जंतु समुदाय को जूम सागरी क्षेत्रों के बायोम में शाकाहारी स्तनधारी जंतुओं में वर्ण संकर हिरण ब्राउजर कैलिफोर्निया ग्वानकी चिली आदि प्रमुख हैं जोडेंट्स कई के, के कई परिवार पाए जाते हैं जिनमें खरगोश की कई प्रजातियां प्रमुख हैं भक्षक जंतुओं की बात करें तो छोटा भेड़िया खरगोश का प्रमुख भच्छक होता है लिजार्ड्स स्नेक्स प्रमुख यहाँ के जीव पाए जाते हैं ठीक है इस चार्ट के माध्यम से यहाँ के पेड़ों को दिखाया गया है वृक्षों झाड़ियों को दिखाया गया है और एनिमल्स को दिखाया गया है तो इसे आप आराम से देख सकते हैं एनिमल्स बर्ड्स और प्लांट्स को दिखाया गया है जो रूम सागरी प्रदेशों में पाए जाते हैं ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक बात करते हैं इसके बाद जो बचे हुए बायोम हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों और पीडीएफ के बारे में हमने आपको बताया कि जब ये बायोम समाप्त होंगे जिस वीडियो में उसी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में जहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार हमेशा मुस्कुराते रहिए खुश रहिए प्रसन्न रहिए और हमेशा सीखते रहिए धन्यवाद jai hind mitro